गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मीनाक्षी, यूअर एस एस टीचर वेलकम्स यू इन योर ज्योग्राफी क्लास। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर ज्योग्राफी फिफ्थ चैप्टर वाटर। पिछली जो वीडियो थी हमने उसके अंदर पढ़ा वाटर साइकिल क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, जो हमारा पानी है वो कैसे डिसपियर हो जाता है, गड्ढों का पानी जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो वो कैसे वाष्प बनकर उड़ जाता है। फिर हमने किया कि सी वाटर जो होता है वो साल्टी क्यों होता है, माउंटेन के अंदर वो लहरें टकराती रहती हैं जिससे क्या होता है पानी साल्टी होता रहता है, वहाँ से कुछ ना कुछ सोल पार्टिकल वो लेके जाती है। फिर हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में हमने रीड किया कि हमारी पृथ्वी पर क्या है, 3/4 पार्ट क्या है पानी है, लेकिन क्या है वो पानी क्या है हमारे पास, वो साल्टी पानी है। ओनली 1% से भी जो मिनिमम कम पानी है वो हमारे लिए अवेलेबल है। नाउ वी विल रीड ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर, द वेट सैंड ऑन द अर्थ बीच एंड द कूल ब्रीज द सी द स्मेल ऑफ द साल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ वेव्स, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। कि जो जब हम समुद्री जो तट है उसके ऊपर चलते हैं नंगे पैर तो हमें एक जादुई अनुभूति प्राप्त होती है। वहाँ पर हमें नमी वाला बालू, ठंडी पवने और समुद्री पक्षी और जो समुद्र का पानी जो साल्टी है उसकी स्मेल और लहरों का जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा हमें मोहित करता है, सम्मोहित करता है। अनलाइक द क्लेम वाटर्स ऑफ द पोंड एंड लाइक ओशन वाटर कीप मूविंग कॉन्टीन्यूशनली, इट इज़ नेवर स्टिल। कि जो हमारा पोंड और जो झीलों का पानी होता है वो क्या है, हमें वो हम क्या रहता है, स्थिर सा रहता है, थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती उसके अंदर। लेकिन जो हमारा ओशन का पानी है उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट होती है, उसका क्या कारण है इसके अंदर पढ़ेंगे। द मोमेंट दैट अक्योर इन द ओशन कैन बी ब्रॉडली कैटराइज एट वेव्स टाइड्स एंड करंट्स। जो समुद्र का जो पानी होता है उसको हम उसकी गतियों को 3 भागों में बांट सकते हैं, वेव्स टाइड्स एंड करंट। पिछली जो वीडियो थी हमने उसके अंदर किया था कि टाइड्स क्या होते हैं, नहीं ये नहीं पढ़ा था हमने, सॉरी हमने रीड किया था ओनली टाइड से कैसे बिजली बनती है, ओनली जो लो टाइड्स होती हैं उससे ही बिजली बना सकते हैं, हम हाई टाइड से बिजली नहीं बना सकते। लो टाइड में पानी क्या है हम इकट्ठा कर लेते हैं फिर उससे बिजली बनाते हैं। डू यू नो में क्या बताया गया हमें, March 2022 is celebrated as World Water Day when the need to conserve water in rainforests in different way. 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस मनाते हैं, उसके अंदर हम क्या करते हैं जल को संरक्षित करने की विधियों के बारे में सोचते हैं कि जल को कैसे हम संरक्षित करते हैं। देखो वेव्स आप पढ़ने हैं, वेव्स क्या होती है, थ्री टाइप हमने थ्री भाग में इसको बांटा था। तो सबसे पहले हमारा है वेव। वेव क्या होती हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो ए बॉल ऑन द बीच द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन, इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट वॉस्ड बैक टू द शोर बाय द वेव्स। जब हम समुंदर के तट पर गेंद से कोई खेल रहे हैं और जब वो गेंद हमारी क्या समुंदर के अंदर चली जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बड़ा ही मनोरंजक होता है हमारे लिए। कैसे होता है, क्योंकि वो बॉल क्या है एक बार तो समुद्र में चली जाती है लेकिन जब समुद्र में लहरें उठती है तो वो बॉल पीछे की साइड हमारे पास वापस आ जाती है। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन राइजेज फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। अब वेव्स क्या होती है हम पढ़ना कि वेव्स क्या होती हैं, जब महासागरीय स्तर पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे क्या है वेव्स कहते हैं। यानी हमारे यहाँ पर जो ये ऐसे से मूवमेंट होती रहती है जल की, कभी उधर चला कभी उधर चला कभी ऊंची ऊंची उठा, तो ये हमारी क्या कहलाती हैं वेव्स कहलाती हैं। डू यू नो क्या आप जानते हैं, वेव आर फॉर्म व्हेन द विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस, द स्ट्रोंगर द विंड ब्लोज द बिगर एंड द वेव्स बिकम। कहता है जब समुद्री सतह पर जब हवाएं चलती हैं तो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो इतनी तेज़ी से बहती हैं कि तरंगे भी उतनी तेज़ी से भी बड़ी होती रहती है। यानी जब हमारे यहाँ पर क्या है इसे कहने वाले, जब हवाएं चलती हैं तेज़ विंड्स चलती हैं तो क्या है तरंगे ज़्यादा ज़्यादा ऊंची ऊंची उठती जाती है। यानी जितनी तेज़ हवा चलेंगी तो वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या होगा तरंगे उतनी ज़्यादा ऊंची उठेंगी, उसे ही हम क्या कहते हैं वेव्स कहते हैं। ड्यूरिंग ए स्टॉर्म द विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ए
यूज वेव्स, तूफान में तेज वायु चलने पर ज़्यादा तरंगे उत्पन्न होती हैं और अधिक क्या होता है, दीज में भी ट्रीमीडियस डिस्ट्रक्शन, इससे बहुत ज़्यादा क्या होता है, विनाश होता है। जब जितनी ज़्यादा हाई तरंगे उठेंगी विंड्स के कारण, जितनी ज़्यादा तरंगे हाई उठेंगी उतना ज़्यादा विनाश ज़्यादा होगा। द अर्थक्विक वोल्केनो इरप्ट अंडर लैंडस्लाइड कैन बी शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर। भूकंप ज्वालामुखी या जल स्तर के नीचे जो भूसंकलन होता है उसके कारण महासागरीय जल क्या होता है, अधिक विस्थापित होता है, जी जी लहरें उठने लगती हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, एज ए रिजल्ट यूज ट्रिडल वेव कॉल्ड सुनामी, उसको ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी किसे कहते हैं, जब समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो किस कारण से उठ सकते हैं, अर्थक्विक भी आ सकता है समुद्र के अंदर, वोल्केनो इरप्शन भी होता है, क्योंकि हमारा जो वोल्केनो इरप्शन क्या है, मतलब हमारे जो ये सी बेड होता है जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर सी होता है उसे हम सी बेड कहते हैं, उसके नीचे क्या होता है, हमने पढ़ा है कि हमारे जो अर्थ है वो किसके ऊपर मूव करती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर। लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जब थोड़ी बहुत मूवमेंट होती है वो इधर से उधर चलती है तो भी क्या होता है, सुनामी आ सकती है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड आते हैं, अंडर वाटर लैंडस्लाइड तो हमें पता है ना, जो ये पहाड़ होते हैं ये जो नीचे की ओर खिसकने लगते हैं वो क्या कहलाते हैं, लैंडस्लाइड। ऐसे क्या होता है, हमारी जो ये सी बेड होता है वो भी थोड़ा सा इधर उधर सरकने लगता है, इसे भी हम, इसके कारण भी क्या है, सुनामी आ सकती है। एज ए रिजल्ट हव टिडल वेव्स कॉल्ड सुनामी दैट मे बी हाई एज 15 मीटर इज फॉर्म। ठीक कह रहा है कि इसके अंदर क्या है, 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारे तरंगे उठ सकती है, वही सुनामी कहलाती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड 150 मीटर हाई, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सुनामी आई थी वो कौन थी, उसके अंदर जो समुंदर की जो लहरें थी उससे 50 मीटर ऊंची ऊंची उठने लगी थी। देयर वेव दीज वेव्स ट्रैवल अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर, और उनकी स्पीड कितनी थी, 700 किलोमीटर थी। द सुनामी ऑफ द 2004 कॉज्ड विंड स्पीड डैमेज इन द कोस्टल एरिया इन इंडिया, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है उससे सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था सुनामी के कारण 2004 के अंदर जो आई थी। द इंद्रा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड गेट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी, सुनामी के कारण क्या हो, जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास एक इंद्रा पॉइंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, डूब गया। जैसे ये हमारा इंडिया का नक्शा है, ये इंडियन ओशियन है, जहाँ पर यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसके नीचे क्या था, एक इंद्रा पॉइंट था ये, तो सुनामी के कारण ये बिल्कुल डूब गया था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सुनामी इज जैपनीज वर्ड दैट हार्वियर्स वेव्स एज द हार्वर्स गेट डिस्ट्रॉयड वैन एवर देयर इज सुनामी। जब सुनामी, ये सुनामी जो वर्ड है वो क्या है, जैपनीज वर्ड है, तो और जो ये हमारा हार्वर्स वेव्स होती है वो क्या होती हैं, वह तट वह स्थान होता है जहाँ पर समुद्री जहाँ पर जहाजों को समुद्र की लहरों या ख़राब मौसम से बचाने के लिए उसे एक जगह पर बांध दिया जाता है, उसे हार्वर्स बोलते हैं। लेकिन इससे क्या हो गई, इसमें से भी पोतराश्य जो होते हैं जिसको हम बंदरगाह बोलते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था सुनामी के कारण। नेक्स्ट है, हम एक केस स्टडी रीड करने वाले हैं अब, सुनामी द अर्थ पैंडेमिक। सुनामी क्या है, एक पृथ्वी का तांडव है, पृथ्वी में क्या तांडव मचाया था, सुनामी और द हार्वर्स वेव स्ट्रक हैवॉक इन द इंडियन ओशियन ऑन द 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004 को हमारा जो हिंद महासागर, ये इधर हमारा जो हिंद महासागर है उसमें क्या आई थी, सुनामी आई थी। द वेव वाज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्विक दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू द वेस्टर्न बॉडी ऑफ द सुमात्रा। ये जो तरंगे थी उसका परिणाम थी क्या था, जिसका जो अधिक केंद्र था वो क्या होता है, सुमात्रा। क्योंकि हमने पीछे जो लेसन क्या था, शायद सेकंड लेसन था, उसके अंदर हमने पढ़ा था एपिसेंटर क्या होता है, जहाँ से क्या होता है अर्थक्विक स्टार्ट होता है वो क्या होता है, एपिसेंटर होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा विनाश होगा। तो इसका जो एपिसेंटर था वो कौन सा था, सुमात्रा था। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्विक वाज
9.0 ऑन द रिएक्टर स्केल। ये हमने पढ़ा है ना कि हम इसको जो अर्थक्वेक को मापते किस में मापते हैं, रिएक्टर स्केल में नापते हैं। जो अर्थक्वेक आया था वो 9 पॉइंट का आया था। एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द ब्रह्मा प्लेट देयर वॉज ए सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे क्या हो गई थी, धस गई थी और समुद्र तल के अंदर उससे बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, नुकसान हुआ था और इस कारण से वहाँ पर क्या आ गया था, भूकंप आ गया था। द ओशन फ्लोर वॉज डिसप्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 meter एट अ टिल्ट इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन। इससे क्या हुआ, जो हमारा महासागरीय तल था वहाँ पर लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और वो क्या हो गया, नीचे की ओर झुक गया था। हमारा जो समुंदर वही वहाँ से नीचे की ओर झुक गया था। अ यूज मास ऑफ ओशियन वाटर फ्लोडेड टू द फील इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। इस विस्थापन के कारण जो निर्मित अंतराल भरने को विशाल मात्रा में क्या हो गया था, महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा था। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मार्क्स फ्रॉम द कोस्टल लाइन ऑफ द लैंड मासेस इन द साउथ एंड द साउथ एशिया। इसके कारण क्या, जो दक्षिण ये जो विस्थापन के कारण हमारा समुद्री जो जल था, मतलब उसके कारण क्या हुआ, हमारी जो लैंड मार्क्स थी वहाँ पर जो हमारा कोस्टल एरिया था वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, विनाश। क्योंकि जब भी अगर भूकंप या जो वेव्स होती हैं उनके कारण जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो जो हमारा कोस्टल एरिया, ये हमारा जो क्या है, ये हमारा कोस्टल एरिया, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो कोस्टल एरिया पर हुआ था। आफ्टर ट्रसिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द ब्रह्मा प्लेट द वाटर मार्क्स रस्ट बैकवर्ड टुवार्ड द कोस्टल लाइन। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र के अंदर लौट गया था और जिससे क्या हुआ था, सुनामी ट्रैवल्ड स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर। तो उस समय जो सुनामी आई थी उसकी स्पीड कितनी थी, 800 किलोमीटर थी पर आवर। कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कम्प्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइसलैंड इन द ओशियन। इसके कारण क्या हुआ था, जब ये 800 किलोमीटर की गति से तूफान आया था, जिसकी तुलना हम क्या है, जो हमारे व्यावसायिक वायुयान की गति से की जा सकती है, इसके परिणाम हिंद महासागर क्या हो गए थे, पूरी तरह से डूब गए थे। जैसे इंदिरा पॉइंट के बारे में अभी मैंने बताया ना, द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड दैट मार्क इन द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गोट कम्प्लीटली सबमर्ज। तो वो क्या हो गया, बिल्कुल जो हमारा इंदिरा पॉइंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था। एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवार्ड द अंडमान आइसलैंड एंड द श्रीलंका द वेव लेंथ डिक्रीज विद द डिक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ द वाटर। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर जो था, भूकंप के एपिसेंटर से तरंगे सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ने लगी, तो तरंगों की लंबाई क्या होने लगी, कम होने लगी। द ट्रैवल स्पीड आल्सो डिक्लाइन 700 to 900 किलोमीटर पर हॉर टू लेस देन 70 किलोमीटर पर हार। फिर क्या हुआ, इनकी जो गति थी वो क्या हो गई थी, जल की गहराई भी कम होने लगी और साथ साथ इनकी गति जो 700 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे से थी वो अब कितनी रह गई, कम होकर 770 किलोमीटर रह गई। सुनामी वेव्स ट्रैवल्ड अप अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर लैक ऑफ हाउसेस। इसके कारण क्या हुआ कि जो समुद्री तट की तरंगे थी वो 30 किलोमीटर गहरी थी, जिसके कारण क्या हुआ, 10,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई और जो लाखों जो घर थे वो घर डिसपियर हो गए, मतलब नष्ट हो गए। इन इंडिया में क्या हुआ,
The most affected were the coast area of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Pondicherry and Andaman and Nicobar Island. तो इंडिया के अंदर यहाँ यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ था, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरला में, पांडिचेरी में और अंडमान निकोबार आइसलैंड के अंदर, जो हमारे मैंने बताया ना कोस्टल जो एरिया होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सभी जो राज्य दिखाए गए हैं वो सभी हमारे कोस्टल एरिया पर हैं। व्हाइल द अर्थक्विक कैन नॉट बी प्रिडिक्ट इन द एडवांस, इट इज़ पॉसिबल टू गिव ए 3 hour टू नोटिस ए पोटेंशियल सुनामी। ये जाता है जैसे अर्थक्विक है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान नहीं लगा सकते कि अर्थक्विक आने वाला है, लेकिन जो हमारी सुनामी होती है उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। कितना, केवल 3-4 घंटे पहले हम ये बता सकते हैं कि सुनामी आने वाली है, लेकिन इतनी देर में भी हम क्या कर सकते हैं। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर प्लेस अक्रॉस इन द पैसिफिक ओशियन, लेकिन जो हमारा पैसिफिक ओशियन है वहाँ पर क्या है, ये वार्निंग सिस्टम बनाया गया है जिससे पता लग जाता है कि 2-3 घंटे पहले कि वहाँ पर सुनामी आने वाली है पैसिफिक ओशन में। क्योंकि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पर जहाँ पर जापान वगैरह है वहाँ पर क्या होता है, आती रहती हैं सुनामी, लेकिन यहाँ पर नहीं आती, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। बट नॉट इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर सुनामी बहुत कम आती है। सुनामीज आर द रेयर इन इंडियन ओशन एज ए सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस टू बी कंपेयर टू पैसिफिक। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी ही आती है क्योंकि वहाँ पर क्या है, जो हमारी भूकंपीय तरंगे होती हैं, भूकंपीय क्रिया होती है वो बहुत कम होती है। हमारे यहाँ पर जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर भूकंपीय क्रिया नहीं होती, इस कारण से क्या है यहाँ पर सुनामी का हम अनुमान नहीं लगा सके। तो ये दिखाया गया है इससे कैसे कितना विनाश हो रहा है, ये दिखाया गया है डिस्ट्रक्शन काज बाय सुनामी ऑन तमिलनाडु कोस्ट के बारे में दिखाया है। नेक्स्ट पॉइंट है द सुनामी दैट रेवेस्ड द साउथ एंड द साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज़ द मोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन लास्ट सेवरल हंड्रेड ईयर्स। इन दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों में तबाही मचाई थी वह पिछले कई वर्षों की सुनामी में सबसे ज़्यादा विनाशकारी थी। द लार्ज डैमेज कॉस्ट ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी वॉज प्रिमली ए रिजल्ट ऑफ लैक मॉनिटरिंग द अर्लियर वार्निंग सिस्टम नॉलेज अमंग द कोस्ट डाइवर्स ऑफ इंडियन ओशियन। हिंद महासागर में निरीक्षण और जो पहले की जो चेतावनी थी और हिंद महासागर के जो आसपास के तटीय जो निवासी थे वहाँ पर जागरूकता की कमी थी जिसके कारण क्या हो गए, अत्यधिक नुकसान हुआ। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फ्लोडेड बाय डिस्ट्रक्टिव वेव्स। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह आता है कि तटीय जो क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। यानी पहले तो क्या होती हैं, छोटी छोटी वेव्स उठती हैं, फिर क्या होता है ये वेव्स वापस चली जाती हैं और फिर वो एकदम बिल्कुल ऊंची 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 लहरें उठने लगती हैं। इससे पता लगता था कि सुनामी क्या है, आने वाली है। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट इंस्टेड ऑफ द पीपल गोइंग टू हाई ग्राउंड दे स्टार्टेड असेंबलिंग एट द कोस्ट टू व्यू बाय मिरेकल। जब तट पर ऐसा होता है तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस जो वो जो तरंगे उठती है उसको देखने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, एज ए कॉन्सिक्वेंस देयर इज ए लार्ज कॉस्टले ऑफ क्यूरियस ओन लुकर्स वैन द गिग्नेटिक वेव स्ट्रक। इसके फलस्वरूप वहाँ पर विशाल तरंगे आई तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए, देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठने लग रही हैं। तो इसके कारण क्या हो गया, बहुत सारे लोग जो वहाँ पर खड़े थे उनकी भी मृत्यु हो गई। ओके स्टूडेंट, ये हमने केस स्टडी पढ़ी सुनामी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो टाइड्स, उसके बारे में हम रीड करेंगे। आपको क्या करना है, वही वर्क है आपका, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को फाइंड आउट करके मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ओके स्टूडेंट, बाय।